एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ आईब्रो के वीडियो। आप ये आईब्रो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रोथ है। ये फर्स्ट टाइम आई है बनवाने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि किस तरह से आप लूप बनाएंगे और लूप में किस जगह पे आप हेयर को फंसाएंगे। तो आज मैं यही आप लोगों को बताने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आईब्रो जब बनाते हैं तो धागा में किस जगह पे हेयर को फंसाते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये कैसे बनेगा, यानी कि कैसे धागे में बाल को फंसाया जाएगा। यदि आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, या फिर आप बहुत अच्छे से आईब्रो बनाना नहीं जानते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर ही पूरा देखिए। तो मैं राइट साइड का ही आईब्रो बना रही हूँ। सबसे पहले बढ़े हुए हेयर को मैं कट कर ले रही हूँ, जैसा कि हमेशा मैं बताती हूँ। और इसके बाद मैं इनसे पूछ ले रही हूँ कि कैसा शेप चाहिए। कैसा शेप चाहिए तुमको, गोल या फिर जो जनरल होता है, जो मेरा है? सुंदर सा चाहिए। ठीक है, जो मेरे फेस पे सूट कर सके। ठीक है, हमको आइडिया नहीं ज़्यादा इस बारे में, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, इस इनका मैं शेप मैं अपने हिसाब से दे रही हूँ, तो मैं ना पूरा राउंड भी नहीं दूंगी और बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं उठाऊंगी। तो इस तरह से आप शेप पे भी ध्यान दीजिएगा कि कैसा शेप आता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बनने जा रहा है। और धागा, जैसा कि मैं बताई, तो धागा को आप देख लीजिए। तो जैसा कि धागा को इस तरह से एक छोर मुँह में बांध ले लेते हैं, दांत में फंसाएंगे, उसके बाद इस तरह से ये करना है, 3 से 5 बार ये गांठ बनाना है, जितना अच्छे से। इसके बाद ये आपका ये जो स्पेस है, इसी से बाल को निकाला जाएगा। तो अब डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो अब देख लीजिए, इसमें बाल को फंसाना है, इस धागे से शेप करना है, और इससे भी शेप करते रहेंगे, उसका ये नीचे वाले से भी शेप होगा, और उसके बाद बीच के स्पेस में बाल को लेना है, और उसके बाद आपको घींच देना है इस तरह से, तो आपका हेयर निकल जाता है, फंसा हुआ बाल जो है वो निकल जाएगा और इस तरह से शेप आ जाता है। तो फिर से देखिए ये कैसे करना है। इस तरीके से यहाँ से धागे को ऐसे रखना है शेप में, जितने दूर से आपको बाल निकालना है। और ये देखिए, इस तरह से जहाँ तक आप कर सकते हैं ले जाइए। और अब ये जो नीचे वाला हेयर, नीचे वाला जो धागा है, यही आपके आईब्रो को शेप कर रहा है। और ये जो ऊपर वाला धागा है, इसको आप ऐसे इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे स्किन पे, और इसके बाद खींचेंगे। इनका फर्स्ट टाइम है, तो इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि अब हल्का सा इन्हें दर्द होगा, घबराना नहीं ना। तुम नीचे से खींच लो, तुमको दर्द हो रहा ज़्यादा तो आँख को, हाँ ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टाइम करवा रही है, तो उन्हें नीचे से स्ट्रेच करने के लिए कह देंगे, उसके बाद ही ये खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक शेप हो गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसी शेप पे पहले तो धागा रखना है, ये गांठ भी यहीं पे आएगा। और नीचे वाले धागे पे आप ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला धागा कैसे आगे बढ़ रहा है, और बढ़े हुए हेयर को किस तरह से वो पकड़ रहा है, किस तरह से वो कैप्चर कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है हेयर, ये धागे के ऊपर जो आ रहा है। अब इसको क्या लॉक करना है, लॉक करने के लिए ऊपर वाला धागा ऐसे रखना है और इसे घींच देना। इसी लाइन पे आपको आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पे हम लोग आ गए आज के पास। अब आज के पास हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, और यहाँ से अब अपने धागे को टर्न करेंगे इस तरीके से। और स्ट्रेट ऐसा तिरछा धागा को रख के और ऐसे आईब्रो के हेयर को निकाल देना है। तो आप ऊपर का शेप देख सकते हैं कि कैसा ये बना है। मैं बहुत ज़्यादा इसे आज भी शेप नहीं दी हूँ, और ना ही बहुत राउंड की हूँ, तो ये बीच में है। अब फिर से यहाँ खींचो, और तुम भी अब नीचे खींचो, अब नीचे का शेप करेंगे। इनका फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा मोटा ही आईब्रो रख ली हूँ। तो मोटा आईब्रो बनाने के लिए क्या करना होता है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ यहाँ तक है, और यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा अंदर है। तो मैं इस ग्रोथ के हिसाब से इसको भी आगे वाले को, फ्रंट वाले को भी लूँगी। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है, इसी से मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हर बार मैं यहाँ से बताती हूँ, आज मैं यहाँ से बता रही हूँ, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ के हिसाब से ही मुझे यहाँ करना है, तो क्यों ना यहाँ से ले लिया जाए। तो इससे क्या होगा ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है।
इसलिए मैं यहाँ से ले ली। अब यहाँ के हिसाब से इधर कर लेना है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना गाइडलाइन बना ली और अब यहाँ से मैं इससे ले करके इसके साथ मिला दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना हो गया और मैं मोटा इसलिए शेप दे रही हूँ क्योंकि अभी ये एक तो फर्स्ट टाइम भी बनवा रही हूँ और अभी मोटा भी फैशन में मोटा ही आईब्रो है, तो इसलिए मैं मोटा ही कर रही हूँ। और इसके बाद इसी के हिसाब से ये हो जा रहा है गाइडलाइन और इसी के हिसाब से आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं एक एक दो दो बाल को लेके आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ तक बीच में आ गई हूँ आर शेप तक, और आर शेप में आने के बाद आपको धागे बहुत ध्यान से चलाना है, जैसे ये धागा अंदर ऐसे नहीं जाना चाहिए, यहीं से टर्न हो जाइए और बहुत छोटे छोटे स्टेप में काम करना है। जैसे यहाँ मैं एक दो बाल ली और यहाँ से बस इतना ही चलाना है, जैसे दो बाल ली और इतना। धागे को बहुत ज़्यादा ऐसे करके नहीं खींचना है, अगर बहुत ज़्यादा आगे तक गए तो आपका आईब्रो कट हो सकता है, तो इसलिए एकदम थोड़ा थोड़ा निकालना है। अब देख रहे हैं मैं कितने छोटे छोटे स्टेप में काम कर रही हूँ, तो इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप में काम करना है। शेप हो गया है, ये एक्स्ट्रा हेयर है, एक्स्ट्रा हेयर को आप थोड़े से फास्ट निकाल सकते हैं, टाइट रखना दोनों ऊपर नीचे से। एक्स्ट्रा हेयर को आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, इससे कस्टमर को भी थोड़ा सा आराम लगेगा, स्लो करने पर थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही मैं सेंटर को भी क्लीन कर ले रही हूँ दोनों आईब्रो का, ये तो राइट साइड का है, देखिए इनका फर्स्ट टाइम है तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, और बाल है हार्ड, स्किन है सॉफ्ट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इस तरह से राइट साइड का आईब्रो पूरा कंप्लीट हो गया है। फॉरहेड में नहीं बनाई हूँ, फॉरहेड में ऑफ कैमरा बना लूँगी, लास्ट में मैं आप लोग को दिखा दूँगी। तो इस तरह से ये लेफ्ट राइट आईब्रो कम्प्लीट हो गया है, लेफ्ट आईब्रो को मैं राइट साइड से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं सेंटर को पहले क्लीन कर ले रही हूँ और इसके बाद ऊपर का मैं यहीं रहते कर रही हूँ। यहाँ रहने से यही फ़ायदा होता है कि आप दोनों को सेम मेज़र करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैं वही सेम चीज़ की हूँ कि यहाँ पे मेज़र कर ली कि कितना मोटा रखना है और इस तरह से शेप मैं कर ली। जब भी आपके कस्टमर को ज़्यादा पेन हो तो आप ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं, हमेशा स्ट्रेच करवा लें। इस आईब्रो में भी जो ऊपर की तरफ बढ़े हुए हेयर है उसे मैं कट कर ले रही हूँ, इससे शेप करना ज़्यादा इजी हो जाता है। इस तरह से लेफ्ट आईब्रो का ऊपर का शेप हो गया है। लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड के आईब्रो में नीचे की तरफ मैं बना रही हूँ, तो शेप करना है उसी तरीके से। ये देखिए आपका गार्ट है और ये भी शेप हो गया और ये आपके तरफ का भी शेप हो गया। तो अब क्या करना है, वो ये इस धागे से ऐसे शेप करना है, थोड़ा सा ऊपर से लाएंगे धागे को और ऐसे बाल आपका देख सकते हैं कि नीचे है और कुछ बाल ऊपर है और गांट उसके बीच से गुजर रहा है, गांठ उसके बीच से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ से गांठ जा रहा है वहीं से हमारा आईब्रो का शेप होने वाला है। और आप देख रहे हैं मेरा एक धागा जो नीचे है जो कि आईब्रो से टच है और एक धागा ऊपर है, आईब्रो से ऊपर है, इस ऊपर वाले धागे को नीचे करना है ऐसे जब शेप में बैठ जाए, और इससे हो जाता है हेयर लॉक। और अब आपको घीच देना है हल्के हाथों से, तो इस तरह से आप देखिए थोड़ा सा सेफ हुआ है। मैं चूँकि इनका स्किन थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लफी है तो मैं थोड़ा हल्के हाथों से खींची हूँ, तो पूरा सेप नहीं आया, फिर से मैं एक बार कर ले रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, गांठ को भीतर ले जाना है और नीचे वाला धागा नीचे स्किन के ऊपर रहेगा और ऊपर वाला धागा ऊपर रहेगा, उसके बाद इसको टर्न करना है, यह लॉक हो गया और अब इसे खींच देना है। ठीक है, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से धागा लाएंगे हेयर के में से और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हेयर कहाँ जा रहा है, धागे के ऊपर,
और ये ऊपर वाला धागा इस पर कर देंगे लॉक और इसे खींचेंगे हल्के से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छे से शेप आ गया है और अब आपको इसी शेप में धागे को आगे की तरफ बढ़ाते जाना है। अब ये हो जाता है आपका गार्डलाइन और इसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है गाइस कि आप लोग हमेशा आप लोग से बिगनर्स जो भी बिगनर्स हैं उनसे क्या प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट आईब्रो अक्सर पतला हो जाता है, अक्सर ये घुस जाता है। आपको क्या करना है, तुम लोग ही समझोगे, आपको क्या करना है कि ये जो धागा है, ये जो तिरछा हम लोग लाते हैं, ये यहीं तक ला के टर्न कर लेना है इस तरीके से, ना कि ये ऊपर लेते चले जाना। अगर आप ऊपर चलते चले जाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, ये यहाँ पे लगेगा जैसे कट हो गया है। तो अब जब भी आप काम करते तो थोड़ा पहले से ही नीचे ले आए, जिस तरह से अभी मैं हलाई हूँ। इससे क्या होगा कि यदि आपका आईब्रो मोटा हो जाएगा तो आप बाद में पतला कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से धागा को आपको हल्का सा टर्न कर लेना है और हेयर दो दो चार चार हेयर करके ही निकालना है, बहुत ज़्यादा हेयर एक साथ नहीं निकालना है। अगर आप बिगनर्स है तो मेरी इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इकट्ठे बहुत सारा बाल नहीं निकालना है, जिस तरीके से मैं अभी निकाल रही हूँ। मैं बस आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे निकाल रही हूँ थोड़े थोड़े बाल को, तो आपको भी बस ऐसे थोड़े थोड़े बाल को ही निकालना है। और पहले आप शेप पे ध्यान देंगे, जिस तरीके से मैं यहाँ बनाई हूँ पहले शेप करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप हो गया है, थोड़ा बहुत जो कमी होगा मैं कर दूँगी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है उस एक्स्ट्रा हेयर को अब आप फास्टली निकाल सकते हैं। ये फ्रंट वाले हेयर को आप, मैं बता दूं कि इस तरह से थोड़ा सी स्किन ज़्यादा टाइट कर लेना है ऊपर से और उसके बाद इसे निकाल देना। मैं थोड़ा सा थोड़ा और यहाँ सेव कर दे रही हूँ फ्रंट में। आप देख सकते हैं कि एक एक दो दो बार जब छूटा रहता है तो उसे कैसे निकाला जाता है। हो गया सर, मैं आप लोगों को इधर का सेप नहीं दिखाई थी तो मैं ये दिखा दूँ, लेफ्ट साइड ही खड़े होकर इसे सेप कर लेना है इस तरीके से। ये सेप करना बहुत ईजी होता है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ये नहीं मिलाना होता है मोटा पतला। जब आपका आधा आईब्रो बन गया तो ये भी इजीली उसी हिसाब से बन जाएगा। आज का आईब्रो का शेप आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप आए हैं मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप लोग के लिए ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़। तो आप लोग के लिए ये आज का वीडियो कितना हेल्पफुल था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।